हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हमारे गाड़ी का टायर चेंज करने वाले हैं। मैं किसी कंडीशन दिखा था वो टायर की कैसे है अभी। तो ये रहे हमारे सामने के टायर्स, इसमें अभी भी काफ़ी ग्रिप है। देखिए यहाँ पे थ्रेड मार्क इंडिकेटर है, यहाँ पे मतलब और 25,000 किलोमीटर चल जाएंगे ये वाले टायर्स। बट पीछे के जो टायर्स है वो देखिए, ये साइड पे पूरा थ्रेड मार्क इंडिकेटर तक आ गया है, और साइड से देखेंगे पीछे से तो थोड़ा बाकी है। मतलब ये अनइवन हिस्सा है क्योंकि इसकी अलाइनमेंट बराबर नहीं हुई थी। सेम पीछे का साइड का है, तो रीज़न अभी भी 1,000 किलोमीटर चल सकते हैं ये। अगर यहाँ पे देखे थ्रेड मार्क इंडिकेटर से थोड़ा सा नीचे है ये इस लेवल से, तो अभी भी और चल सकते हैं ये, पर प्रिकॉशनरी क्योंकि अभी हीट बहुत है। गाड़ी मोस्टली हाईवे पे चलती है और 1 महीने में रेनी सीज़न आने वाला है, तो ऐसे टायर्स चलाना सेफ़ नहीं है। तो अब हम नए टायर इंस्टॉल करेंगे सामने, और ये वाले हम इंस्टॉल करेंगे पीछे। तो चलिए अब शॉप पे जाते हैं। तो हम टायर इंस्टॉल करेंगे सीएट के सिक्योर ड्राइव, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। एक दो बार जोर से गड्ढे में गया, टायर फटा था, तो वो वारंटी में क्लेम हो गया था, तो इसलिए सीएट सिक्योर ड्राइव करेंगे। और वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि हमारा एक बार अलाइनमेंट में जाने के बाद पता चला था कि पीछे का जो अलॉय व्हील है थोड़ा बेंड है, तो पीछे का बैंड था इसलिए कुछ इश्यू नहीं बोला इन्होंने, बाद में कर लीजिएगा। पर अगर आगे का होता तो मुझे स्टेयरिंग पे वो फील हो जाता, जैसे कि अब स्टेयरिंग पे से वाइब्रेशन आ जाते। तो अब देखते हैं ऐसा कुछ इश्यू है क्या। तो हम शॉप पे आ गए हैं, अब आगे के टायर पीछे आएंगे और आगे नए टायर्स आ जाएंगे। मनोज टायर शॉप पे आया हूँ मैं। तो यहाँ पे अलाइनमेंट इस साइड होती है, ये देखिए ये एक बे है, ये दो टोटल दो बे है अलाइनमेंट के, और व्हील फिटिंग बैलेंसिंग और व्हील आउट निकालने का सब अंदर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा, यहाँ पे होता है व्हील बैलेंसिंग और टायर फिटिंग का काम होता है। तो ये आ गए हमारे टायर, ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे 1724 यानी 70th वीक ऑफ 2024, और ये 1624 है, तो लेटेस्ट बैच है। मुझे पहले लगा प्राइस कम इसलिए पुरानी बैच होगी, पर लेटेस्ट बैच मिले। ये हमारी टायर फिटिंग तो हो गई है, अब ये टायर में हवा भरने के बाद इसको हम बैलेंसिंग के लिए ले जाएंगे। तो अब टायर की बैलेंसिंग हो रही है, और ये देख सकते हैं प्रॉपर अलॉय व्हील्स में जो वेट यूज़ होने चाहिए वही यूज़ हो रहा है यहाँ पे। मैं मोस्टली बहुत सारे दुकानों पे गया हूँ इससे पहले, तो वो नॉर्मल स्टील रिम वाले वेट्स लगा देते हैं, तो यही पे फिटिंग हो रही है। और यहाँ पे अब ये 0-0 हो जाएगा, देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए 0 हो गया, टायर प्रॉपरली बैलेंस हो गया। अब हम अलाइनमेंट के लिए गाड़ी ले जाते हैं। यहाँ पे एक बे है, तो वहाँ पे बैलेंसिंग और फिटिंग हुई, अब यहाँ पे गाड़ी की अलाइनमेंट हो रही है। मैंने आपको कहा था कि पिछला रिम बैंड हो गया है, तो इन्होंने चेक किए सारे रिम्स, रिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल रिम्स है। पर पिछली बार क्या पता क्या इशू आया था, एक वॉबल हो रहा था एक व्हील, पर अब कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं हमें नया टायर डाले हैं सामने, दो 215/60R16 C8 सिक्योर ड्राइव। ये अब मुझे 5800 रुपीज़ का पड़ा है, और 25th of May को। देखिए टायर के प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो ये अब इस प्राइस में मुझे मिला है, वैल्यू फॉर मनी टायर है, और जिस प्राइस पे आता है वैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ऑफर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हंटर के अलाइनमेंट के मशीनरी यूज़ हो रही है, और इस स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे गाड़ी का नंबर है, और साथ में आप भैया गाड़ी से इसके अंदर हमारा ओडोमीटर की रीडिंग ले लेंगे। इसके अंदर पहले की भी रीडिंग होगी, मतलब गाड़ी इसके पहले कब आई थी और अलाइनमेंट के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रंट कैमर एंगल वगैरह दिख रहे हैं सब, और नीचे भी काम चल रहा है गाड़ी का, ये देखिए। तो अभी 5 मिनट हो लग जाएंगे इस काम को अब, और चलिए अब चलते हैं। तो ये आ गए हम यहाँ पे शॉप पे, ये है इनकी शॉप। यूजुअली सारे कंपनी के टायर्स हैं इनके पास, योकोहामा हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया, पर हमने सीएट का लिया है। तो यहाँ पे भैया ने बिल रेडी रखा होगा, तो हम बिल ले लेते हैं यहाँ से और चलते देखते हैं हमको कितना फटका लगा है। तो 11,600 रुपये टायर्स के, सिर्फ दो टायर चेंज किए, 5,800 का एक पड़ा। प्राइस ठीक है क्योंकि ऑनलाइन में भी 6,000 के आ रहे थे, ऑनलाइन मंगाता तो भी, और दुकानों में 2-3 चेक किए तो प्राइस 6,500 ऐसा कुछ थी टायर्स की, तो अच्छे प्राइस में मिल गया और एक अच्छी बात है। उसके साथ में ये दो
वैल्व मिले हैं, क्योंकि मेरे टायर में TPMS है इसलिए मैं वो निकाल नहीं सकता, वो फिटेड ही रहेंगे, तो ये उन्होंने दे दिए बाद में कभी ज़रूरत पड़ी तो। और साथ में चारों टायरों में नाइट्रोजन, और वो टायर फिटिंग फ्री आएगी। और अलाइनमेंट बैलेंसिंग का देखिए कितना आया है खर्चा, इसकी वजह से मैं जाता हूँ इधर क्योंकि सस्ते में हो जाता है काम। देखिए व्हील बैलेंसिंग के 200 रुपीज़, बैलेंसिंग वेट 140, व्हील अलाइनमेंट 300 रुपये, 640 में हो गया है व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग मेरा, क्योंकि ये अच्छी बात है क्योंकि आपने देखा बैलेंसिंग वेट उन्होंने यूज़ किए थे वो स्टिकर्स वाले यूज़ किए थे जो यूजुअली मैक व्हील्स में या अलॉय व्हील्स में यूज़ होने चाहिए, पर जो मैं पहले किधर भी जाता था तो वहाँ पे नॉर्मल वेट्स यूज़ करते थे जो स्टील रिम में आते थे। तो ऐसे स्टोर का एक्सपीरियंस अच्छा लगा, मैं यूजुअली ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ किसी स्टोर पे, बट एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो ऐसा लगता है कि बाकी कस्टमर भी आए। तो आप एक बार उनसे कॉल करके चेक कर लीजिएगा अगर आप जलगांव महाराष्ट्र में रहते होंगे तो टायर्स के रेट वगैरह, मुझे तो अच्छे पड़े टायर्स और रेट भी व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग का अच्छा था। आउट नहीं था व्हील, एक मुझे पिछली बार बोला था एक व्हील आउट है नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा, पर अब मशीन में चेक किया तो वैसा कुछ इश्यू नहीं आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।